मोदी का जलवा सातवें आसमान को छू रहा है। फ्रांस की सरजमी पर मोदी के नाम का जय घोष हो रहा है। पेरिस में हिंदुस्तानी जमात के सामने मोदी खड़े हुए तो तालियों की गूंज और मोदी मोदी के नारे का शोर था। ये बदलते भारत की तस्वीर है। रोजी रोटी रोजगार की तलाश में यहाँ तक पहुँचे हिंदुस्तानियों का यह हिस्सा पीएम मोदी को सामने देखकर हिंदुस्तानियत से सराबोर हो गया। पीएम मोदी ने भी तफसील से बताया कि भारतीय होने का मतलब क्या है और ये भी कि उनकी सरकार कैसे नई लकीरें खींचने में लगी है। आज नए भारत में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जनता के पैसे की लूट, आतंकवाद जिस तरह लगाम कसी जा रही है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं और इस दौरे पर भी मोदी ने भाईचारे का भरपूर संदेश दिया। पेरिस में मोदी ने मुस्लिम समुदाय के नुमाइंदों से मुलाकात की और उस दुष्प्रचार पर प्रहार किया जो भारत में अल्पसंख्यकों की बदहाली का रोना रोकर नकली आंसू बहाते रहते हैं। मोदी ने फ्रांस में कूटनीतिक कामयाबी का भी परचम फहरा दिया। धारा 370 पर फ्रांस पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने मुझे कश्मीर के बारे में सब कुछ बताया कि जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में उन्होंने मुझे समझाया और मैंने उनको कहा कि ये पाकिस्तान और भारत को मिलकर ही इसका निर्णय इस पे इसका कुछ नतीजा निकालना है और कि और हम चाहेंगे कि कोई भी इसमें तीसरा आदमी इसमें इस हालात में कोई मुद्दों को खराब ना करे, कोई भी इसमें हिंसा को भड़काने की बात नहीं करे। भारत माता की। पेरिस में मोदी ने झोली भरकर तालियां बटोरी, हिंदुस्तानियों को गर्व से भर देने वाला भाषण दिया और असली चुनौती G7 की बैठक में कश्मीर पर कूटनीतिक कौशल की एक और किश्त दिखानी है।